मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आखिर में लाइक करना है और कमेंट भी करना है। तो चलो हम ये अमेजिंग अमेज़न का वीडियो हॉल शुरू करते हैं। मुझे अमेज़न की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली ज्वेलरी सेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ज्वेलरीज मैंने खरीदी है इसका जो ड्यूरेशन है या ड्यूरेबिलिटी है या लॉन्ग लाइफ है काफ़ी सरप्राइजिंगली अमेजिंग होती है। यानी आपका जो प्रोडक्ट अगर आपने पिछले साल या दो साल पहले भी लिया होगा तो ये वैसे के वैसा ही रहता है और आज भी ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आपको पसंद हो तो आ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दे दिए हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये ब्यूटिफुल सा सेट मंगाया था। इसमें ऐसे दो बैंगल्स आती हैं, दो बैंगल्स और ऐसी मोती की चार बैंगल्स हैं यहाँ पे। इसमें साइजेस अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो बीड्स है, ये जो मोती है, कुछ हुआ ही नहीं है इसको भी। मैंने कितने बार यूज़ किया है मेरे डांसेस के लिए या ट्रेडिशनल आउटफिट अगर मैं पहनती हूँ तो ये जैसे कि वैसा ही, इसका एक भी मोती आप देखोगे तो निकला नहीं है या कुछ थ्रेड नहीं। इवन द कलर, ये जो कलर भी है आप देखोगे अंदर से भी, कलर भी वैसे के वैसा ही है फ्रेंड्स। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे जब मैंने लिए थे, तो अभी भी इसके प्राइस लगभग उसी रेंज में है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस प्रोडक्ट। ऐसा कुछ ट्रेडिशनल पहनना पसंद है स्पेशली महाराष्ट्रियंस को, या आप इसमें ग्रीन चूड़ी बीच में डाल के आप इसको यू नो पेयर अप कर सकते हो आपके कोई भी ट्रेडिशनल साड़ीज के साथ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड, पॉल से भरा हुआ है, बीच में रेड और ग्रीन स्टोन्स है। सी दिस डिज़ाइन पैटर्न, एवरीथिंग इज अमेजिंग लगा कि आप 5-6 साल तक आराम से ये बैंगल्स पहन सकते हो। मैचिंग करने का बहुत शौक है तो मैं अगर कोई साड़ी पहनती हूँ, सपोज ब्लू कलर की पहने तो मैं इसको मिक्स मैच करके थोड़ा ब्लू का टेंट दूंगी, या पिंक या ब्लू है कॉम्बिनेशन में, तो वैसे मुझे करना पसंद है। तो आई नो मेरे जैसे बहुत सारी गर्ल्स होगी जिनको वैसे अच्छा लगता है। तो ये सेट मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। आप ये बॉक्स की हालत देखोगे फ्रेंड्स, ये एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है, बट इफ़ यू लुक एट दिस फ्रेंड्स, मैं बहुत, ये जितने ओपन हैं वो मैं पहन चुकी हूँ, ये वैसे के वैसे ही है फ्रेंड्स। इसका थ्रेड भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला है। कलर कॉम्बिनेशंस भी आपको अगर ऐसे मिक्स मैच करके भी अगर पहनना है तो आप कोई भी आउटफिट पे पहन सकते हो इस तरह से। तो सपोज आपकी क्रीम कलर की साड़ी है या मोती कलर का आपको कुछ पहनना है तो इस तरह से यू कैन वेयर दिस मिक्स एंड मैच करके। सिमिलरली अगर एक ही बैंगल पहननी है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हो, या इस तरह से आप इसको पेयर अप कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ्रेंड्स। और आपको यू नो अलग अलग सेट्स पे, अलग अलग आउटफिट्स पे या साड़ीज पे आपको अलग अलग बैंगल्स लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये पूरा सेट है। ये सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अगर आपको ये सेट अगर आपको अमेज़ॉन पे अभी भी मिल रहा हो तो इट्स अ मस्ट बाय, यू शुड हैव इट इन योर वार्डरोब। इसका प्लस पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसका कलर नहीं फेड हुआ है या कलर गया भी नहीं है थ्रेड का। तो अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करो, अननेसेसरी पानी में हाथ नहीं डालो या कुछ, अगर आप मेंटेन कर पाओ तो डेफिनेटली ये सेट वर्थ इट है। अब जो नेक्स्ट ज्वेलरी मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो एक हार है। एंड ये काफ़ी ऐसे गोल्डन लगता है, जैसे गोल्ड से बना हुआ है, बट इट्स फेक। तो ये अमेज़ॉन से मुझे मिला था। एंड काफ़ी अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हो, जैसे नवारी हो गई या साड़ी हो गई या महाराष्ट्रियन जरी की बॉर्डर वाली या साउथ इंडियन साड़ीज भी हो गई, तो इस पर भी आप ये सेट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ऐसा लगता है पूरा गोल्ड से बना हुआ है। इसके ऊपर ये पिकॉक का ऐसा पेंडेंट है, अच्छा खासा पेंडेंट है। ये ब्रॉड है काफ़ी, पीछे से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर का डिज़ाइन है और पीकॉक है, यहाँ पे छोटे छोटे लटकन है और एक क्यूट सा पेंडल है नीचे। और यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप लेस पे देखोगे तो यहाँ पे भी पीकॉक का डिज़ाइन है इस तरह से। और यहाँ पे एक थ्रेड मिलता है जो आप ऊपर से इस तरह से डाल के ये वेयर कर सकते हो। ये काफ़ी
एलिगेंट रॉयल लगता है पहनने के बाद, आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स पे इसको पहन सकते हो। ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ फेक पहना है। ये काफ़ी आप ऐसे ऊपर भी पहनना चाहते हैं तो ऊपर से या नीचे तक ये इस तरह से जाता है। साड़ीज भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके साथ ये क्यूट गॉर्जियस सी इयररिंग्स भी मिली है, आप देख सकते हो। इसका प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, ये मैंने पिछले साल ऑर्डर किया था, मैंने एक दो बार पहना है, बट स्टिल इसका जो कलर है ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, गोल्डन का जैसे कि तैसा ही है, जैसे कि ब्रांड न्यू गोल्ड ज्वेलरी आपने परचेज की हो। मैं आपको बताऊंगी कि अमेजोन से मैंने ये इयररिंग का सेट लिया था, इयररिंग का पैर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, लहंगा हो या ट्रेडिशनल साड़ी हो या ड्रेस हो या गाउन हो, उस पर आप ये पहन सकते हो। बहुत ही क्यूट है, लॉन्ग भी है, इससे आपको पूरा ऐसे इयर भर जाता है। इस तरह से ट्रेडिशनल आउटफिट्स पे इसको पहन सकते हो। साड़ी हो या मोती का, अगर आप पूरा ज्वेलरी पहनने वाले हैं तो मोती के साथ भी, पर्ल के साथ भी ये अच्छे से, ये झुमके चैंडलर्स अच्छे लगते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पे डायमंड्स लगे हुए हैं और अंदर पर्ल है और ये पूरा पर्ल से भरा हुआ है ये सर्किल। इट्स प्रीटी गुड, अच्छा है। तो अगर आपको ये मेरा अमेजोन का ज्वेलरी हॉल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।